नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। भारत सरकार और ट्विटर के बीच की जंग अब खत्म होती दिख रही है, क्योंकि नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानूनों को ट्विटर ने मान लिया है और शिकायत अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। आईटी मंत्री के बदले ट्विटर के तेवर भी बदल गए, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी पर अब विराम लग सकता है। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है। खास बात यह है कि ट्विटर नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानून का पालन करते हुए भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर चुका है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना डाली गई है। भारत में नए आईटी नियमों को न मानने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में था। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार विनय प्रकाश कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी यानी कि RGO हैं। यूजर्स पेज पर दी गई वेबसाइट के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर के भारत में करीब 1,75,00,000 यूजर्स हैं। नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर ट्विटर का भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। ट्विटर ने भारत में मध्यवर्ती के रूप में अपना कानूनी कवच गवा दिया है। अब यूजर्स द्वारा किसी तरह की गैर कानूनी सामग्री डालने के लिए जिम्मेदार होगा। देश के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को अपना मंत्रालय संभाला था। इसके तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि नए आईटी कानून को लेकर रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया कंपनियों के सामने देश की साख बचाने में नाकाम रहे और इसी वजह से उनकी मंत्रालय से विदाई हुई। पर नए मंत्री के आते ही ट्विटर की अकल ठिकाने आ गई। नए आईटी मंत्री के पद संभालते ही ट्विटर की सारी हेकड़ी निकल गई। एक चेतावनी मिली कि नियम मानो या भारत से अपनी दुकान बंद करो। सख्त मंत्री के सख्त बोल ने ट्विटर को ढीला कर दिया और सारे नियम मानने पर मजबूर कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।